खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की पहल पर अब कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में दूध, सब्जी, फल, गैस सिलेंडर, दवा इत्यादि की तरह एटीएम भी घर के गेट पर पहुंचेगा। ये संभव हो पाया है जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के प्रयासों से और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के सहयोग से। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने उनके अनुरोध पर मोबाइल एटीएम वैन की व्यवस्था कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में की है, ताकि लोग अपने घर के गेट पर आई मोबाइल एटीएम वैन से पैसे निकाल सकें। सोमवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और एडीएम अशोक असीजा ने मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार झालानी, वरिष्ठ प्रबंधक क्रेडिट महेंद्र शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक ऑपरेशन रतन सिंह भी उपस्थित थे। खास बात यह है कि मोबाइल एटीएम वैन को रवाना करने से पहले जिला कलेक्टर ने खुद एटीएम से पैसे निकालकर उसे चेक किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह मोबाइल एटीएम वैन कर्फ्यूग्रस्त इलाकों रूपनगर, गुरुसर, अमर सिंहवाला, लखुवाली और जोगीवाला में भ्रमण करेगी। Yes, yes, yes.